बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशर। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, तकरीबन 90% लोग इस बारे में नहीं जानते और 100% जानना चाहते हैं। हमारे यहां तकरीबन अक्सरियत में लोग घर की बुनियादें बनाकर कुछ अरसा के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास बजट ही इतना होता है और वह अपना घर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहते हैं अपने बजट के हिसाब से, यानी कि मरहलावार। तो इधर एक मसला पैदा होता है कि क्या बुनियादें बनाकर छोड़ देने से बुनियादों का नुकसान होता है या नहीं होता। लोग तो यही समझते हैं कि कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन असल में नुकसान तो होता है। और वो नुकसान क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर बाद में जब बंदे घर तामीर करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी बुनियाद अब भी ठीक है, लेकिन घर तामीर करने के बाद उनकी दीवारों में दरारें पैदा हो जाती हैं, जिसकी मेन वजह यही थी कि आपने बुनियादें बनाकर उनकी हिफाजत नहीं की। तो इसका सबसे जो बड़ी वजह है वो बारिशी पानी है। पानी जहाँ भी खड़ा रहे वहाँ नुकसान करता है, चाहे वो सड़क पर खड़ा रहे या घर की बुनियादों में। तो सबसे पहले आपने बुनियादों को मज़बूत बनाना है। मसलन कुदरती ज़मीन की कम अज़ कम 2 से 3 फुट गहराई में खुदाई करके बुनियाद तामीर करनी है। चाहे आपका प्लाट गहरा हो या गली या सड़क के बराबर हो, खुदाई लाजमी करनी है। इसके बाद खोदी हुई जगह में अच्छी तरह से भर्ती डालनी है और इसकी अच्छी तरह कंपैक्शन करनी है। नंबर 2, अमूदी और उफ़ की DPC डाल देनी चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि आपके ऊपर वाले ईंटों के रद्दे मजबूत हो जाते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ नहीं टूटेंगे। नंबर 3, अक्सर लोग बुनियाद तामीर करने के बाद प्लाट में बर्ती नहीं डालते, जो कि नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। बुनियादें तामीर करने के बाद इस जगह पर बर्ती डाल देनी चाहिए और इसकी अच्छी तरह से कंपैक्शन भी कर देनी चाहिए। कंपैक्शन इस तरह से करें कि बर्ती की एक तरफ स्लोप यानी कि ढलान रखें, ताकि बारिशी पानी ज़्यादा देर इस पर रुक ना सके, यानी पानी के निकलने की जगह बनाएं। अगर आपका प्लाट गहरा है तो इसकी बाहर वाली साइडों के साथ भर्ती डालें, ताकि पानी बुनियादों के अंदर भी ना जा सके और बुनियादों के साथ टच भी ना हो सके। इस तरह आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं 99%। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी बुनियादें कमज़ोर भी होती जाएंगी और बुनियादें बैठने का भी खतरा 100% है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।